ये लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। और हाँ, खुलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्मारक साबिक नहीं लिखा है, मेरी साबी बाबरी, आज तुझे ऐसे मेरी कहने में मुझे बहुत दुख हो रही है। मुझे याद है हमारे बचपन में। अच्छा, आप इतना जोर जोर से क्यों पढ़ रहे हो? मन में भी पढ़ सकते हो ना। अरे आप इतना जोर जोर से क्यों पढ़ रहे हो? आप अपने मन में भी पढ़ सकते हो ना। सारी को छोड़कर सबको बताया कि मारा उसे कितना प्यार करता है। हाँ, उसने कभी शब्दों से नहीं कहा, लेकिन उसकी हरकतों से साफ पता चलता है। उसने ये बात कभी छुपाई नहीं, किसी छुपती नहीं, और वैसे छुपाएगा भी क्यों? मेरे हिसाब से वो कुछ गलत नहीं। फैन ना आप तो उसके शादी माना थे, तो एक काम, ये जो लव स्टोरी चल रही है ना, आप जाके सहाबा दीजिए और आप शादी माना को अपना बड़ा भाई भी बना, और आप शादी माना को अपना भाई भी बना, मुझे कोई फर्क नहीं। मुझे लगता है ज़िंदगी में ऐसे ही होता है यार, जब ये एक नित्यम जैसा इंसान सुधरना चाहे या प्यार करना चाहे तो ज़िंदगी आके उसे बताती है कि नहीं भाई रुक जाओ, तुम्हें प्यार करने का कोई हक नहीं है। तो वही हुआ, बेचारा इतने एफर्ट्स डाल रहा था, परवाह कर रहा था, केयर कर रहा था, हेल्प कर रहा था, और होता क्या है लास्ट में कि एक लव लेटर मिल जाते हैं भाई साहब, उसमें लिखे होते हैं सारी उनकी ज़िंदगी भर की कहानी, क्या क्या वो बचपन से करते आए हैं, क्या 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 अच्छा लगता है। अच्छा, उसको इतना पता भी है ना कि नींद में क्या बोलेगी, जब चोट लगती है तो क्या बड़बड़ाती है, तो हर एक चीज़ ऐसे मुझे पिंच कर रही होती है कि यार क्या है, ये है वो है, और हर चीज़ से मैं हर्ट हो रहा होता हूँ। तो मैंने उस लेटर के बाद ये सोचा कि चलो खुद को संभालते हैं, और अब जो भी है ये लड़की मेरे लिए फिर से वही है जो अभी तक थी। तो बीच में जो कुछ एपिसोड के लिए मैं बदला, शायद वो भगवान भी नहीं चाहते थे कि नित्यम बदले। नहीं, डेफिनेटली जब आप किसी के साथ इतना टाइम रहते हो और बचपन से बचपन गुजारा हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पता लग जाती हैं एक दूसरे के बारे में। तो दोस्ती है हमारी, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इसीलिए मुझे भी उसकी चीज़ें पता है, उसे भी मेरी चीज़ें पता है। देखिए, बहुत क्लियर है कि सावी की तरफ से वो लेटर नहीं है, मानव की तरफ से। तो जब मानव ने वो लेटर लिखा है तो कोई ना कोई तो इस बात का एहसास दिलाएगा कि भाई अभी तक सावी के दिल में क्या है ये बात हमें नहीं पता, और अगर ये बात मुझे क्लिक होगी और मैं निकलूँगा तो शायद ऐसा होगा कि नित्यम वापस से कुछ सोच के निकले कि सावी से बात की जाए या प्रपोज़ किया जाए या कुछ किया जाए। वो कर लिया है हमने शूट, लेकिन आप देखोगे तो वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा।